नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान समाचार। राजस्थान में कोरोना से 2 की मौत, 5 करोड़ की लागत से बनेगा वीर तेजा जी का मंदिर। CBSE के 10वीं के स्टूडेंट के लिए जरूरी सूचना है। राजस्थान से ऐसी कई सारी अपडेट सामने आ रही है, आइए जानते हैं राजस्थान की पहली और सबसे बड़ी अपडेट। राजस्थान में कोरोना से 2 की मौत। राजस्थान में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंटा के 17 मरीज मिल चुके हैं। वहीं जयपुर के SMS मेडिकल कॉलेज से 4 संक्रमितों की जीनोम स्कैनिंग की रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें सभी ओमिक्रॉन पॉजिटिव निकले हैं। इसमें 3 तो सीकर जिले के अजीतगढ़ के हैं, जो पिछले दिनों दक्षिण अफ्रीका से जयपुर आए फैमिली के संपर्क में आए थे, जबकि यूक्रेन से जयपुर पहुंची युवती की भी रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। राजस्थान में कोरोना की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 17 नए केस मिले हैं। वहीं एक सप्ताह बाद कोरोना से मौत के 2 मामले सामने आए हैं। चलिए दोस्तों अगली अपडेट जान लेते हैं। CBSE के 10वीं के स्टूडेंट के लिए जरूरी सूचना है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की जा रही है फर्स्ट टर्म परीक्षा में कक्षा 10वीं के अंग्रेजी भाषा व साहित्य के 1% में सभी विद्यार्थियों को पूरे अंक मिलेंगे। इस संबंध में CBSE की ओर से सोमवार को आदेश भी जारी कर दिया गया है और आपको सूचना मिल जाएगी। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। उदयपुर में कोरोना का खतरा। उदयपुर में कोरोना के मामले सामने आने का सिलसिला लगातार जारी है। सोमवार को उदयपुर में कोरोना के 2 और नए मामले सामने आए हैं। शहर के सेक्टर 13 महाराणा प्रताप कॉलोनी में ये 2 नए केस सामने हैं। सोमवार को उदयपुर में 573 सैंपल की जाँच की गयी थी, जिसमे 2 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। हालांकि राहत की बात यह रही कि सोमवार को 5 रोगी स्वस्थ हो गए हैं, इससे कोरोना के एक्टिव केस भी कम हुए हैं। उदयपुर में अब कोरोना के एक्टिव केस 17 हैं। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। 5 करोड़ की लागत से बनेगा वीर तेजा जी का मंदिर। उदयपुर जिले के वल्लभ नगर के बिंडर क्षेत्र के चारगदिया गांव में जाट समाज के आराध्य देव वीर तेजा जी मंदिर का करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से मेवाड़ का सबसे बड़ा भव्य मंदिर बनने जा रहा है। यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए हाईटेक सुविधा के साथ साथ अन्य सुविधा मुहैया कराई जाएगी। सोमवार को नींव पूजन कर मंदिर निर्माण का काम शुरू किया गया है। इसी दौरान नव जिला रखने की बोली वर्धा पुत्र रामजी जाट बसाड़ा ने लगाई। इसके बाद नौशिला की नींव भी रखी गई। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। बिजली की समस्या को लेकर 3 घंटे तक रोड जाम किया गया। भरतपुर जिले के बेना स्टेट हाईवे पर दादरण गांव पर बिजली की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने रोड जाम कर दिया, जिसके बाद स्टेट हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। जाम की सूचना पर बिजली विभाग के अधिकारी और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गई। करीब 3 घंटे समझाने के बाद जाम को खोला गया। जाम खोलने के बाद पुलिस ने ग्रामीणों के खिलाफ स्टेट हाईवे को जाम करने के मामला दर्ज कर लिया है। बेना स्टेट हाईवे पर दादरण गांव सहित आसपास गांव के करीब 200 ग्रामीण हाईवे पर लकड़ी पत्थर डालकर बैठ गई। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली मिल रही है, लेकिन वोल्टेज का भी कम मिल रहे हैं, जिसके कारण वे खेतों की सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। कम वोल्टेज के कारण पानी की मोटर नहीं चल पा रही है। सर्दी होने के बाद भी रात के समय में बिजली दी जा रही है, जिसकी वजह से किसानों को सिंचाई करने में काफी दुविधाएं आ रही है। घरों के लिए भी सिर्फ 8 से 10 घंटे ही बिजली मिल रही है, इसी कारण उन्होंने ये रोड जाम किया है। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। राजस्थान से रामेश्वर तक की यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर है। कोरोना काल में राहत के बाद रेलवे अपनी सभी ट्रेनों को धीरे धीरे पटरी पर लेकर आ रहा है। 85% ट्रेनें पहले ही शुरू हो चुकी हैं और इसी बीच और बची हुई ट्रेनें भी एक एक करके शुरू की जा रही है। अजमेर साप्ताहिक हम सफर सुपर फास्ट एक्सप्रेस का संचालन शुरू किया जा रहा है। यह ट्रेन वाया चित्तौड़गढ़, रतलाम, भोपाल, नागपुर, चेन्नई, एग्मोर होकर संचालित होगी। ट्रेन 18 दिसंबर से शुरू हो रही है। यात्रियों को इससे काफी सुविधा मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। दोस्तों ये थी राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट, और ऐसी ही अपडेट जानने के लिए अभी करें राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।